Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from Assalamu alaikum mere dost, how are you? Wa alaikum assalam. Oh, English, sab khairiyat to hai? Are yaar, muh ka zaiqa change karne ke liye kabhi kabar bolni padti hai. Are yaar, tumhe mazak sooj raha hai. और मैं यहाँ बोरियत से मरा जा रहा हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? यार, कोरोना वायरस के बाद से ज़िंदगी बिल्कुल बोर हो गई है। ऐसा तो खैर होना ही था एक दिन। हैं? क्या तुम्हें पहले से मालूम था कि गंदगी की वजह से ऐसी बीमारी फैल जाएगी? देखो, हम लोग डेली लाइफ में सफाई सुथराई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, गली मोहल्लों में कचरा फेंक देते हैं, अपने हाथ मुंह साफ़ सुथरे रखने का ख्याल नहीं रखते और बाहर की गंदी चीज़ें खाने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते कि वो साफ़ हैं भी या नहीं। बातें तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन सिर्फ बातें करने से क्या होगा? यार, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अच्छी बातें ही अच्छी आदत और अच्छे एक्शंस का बायस बनती हैं। तो हम क्या करें फिर? सिर्फ दो लोग कैसे पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, दो से चार, चार से आठ, और फिर इस तरह हम पूरी सोसाइटी को साफ़ सुथरा बना सकते हैं। चलो मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ कि क्या करना है और किस तरह। दोस्तों, आपके ख्याल में सिर्फ दो दोस्त अपनी पूरी सोसाइटी को चेंज कर पाएंगे क्या? आइए देखते हैं। Few days later. अरे, ये तो हमारी सोसाइटी बिल्कुल ही चेंज हो गई। लग रहा है हम किसी बाहर के मुल्क में आ गए हैं। हाँ, मगर ये सब हुआ कैसे? ये सिर्फ दो दोस्तों टोनी और मोनी का कारनामा है। हैं? वो कैसे? सबसे पहले इन दोनों ने अपने अपने घरों की सफाई करी, कचरा उठाया, धूल मट्टी साफ करी, पौधे लगाए और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को शेयर कर दी। फिर क्या था, सारे महल के बच्चे इस मॉडल होम मुहिम में शामिल हो गए। जब वीडियो ज़्यादा फैल गई तो दूसरे मोहल्ले के बच्चे भी शामिल हो गए। हाँ भाई, यानी दो बच्चों ने पूरी सोसाइटी बदल डाली। दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह दो दोस्तों ने मॉडल होम मुहिम के थ्रू मॉडल सोसाइटी बना ली, अपना महल्ला साफ किया, डस्टबिन रखवाए और पौधे उगाए। तो दोस्तों, अगर आप भी मॉडल मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कर दें पूरे मुल्क को साफ।